आपको क्या लगता है, अगर आप हृदय चक्र पर ध्यान लगाएंगे, पूरी फोकस, पूरा कंसंट्रेशन हृदय चक्र पर लगाएंगे, तो क्या आपकी हृदय चक्र जागृत हो जाएगी? तो क्या आपकी पूरी एनर्जी, साथ में आपकी कुंडलिनी शक्ति भी हृदय चक्र पर आ जाएगी? या फिर आप अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस आज्ञा चक्र पर लगाते हैं, तो क्या आपकी आज्ञा चक्र खुल जाएगी या फिर आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाएगा? तो मित्रजनों, आज मैं इसी सप्तचक्र साधना की विधि को लेकर आया हूँ। आपको ध्यान की विधियाँ वही सिखा सकता है जो स्वयं ध्यान करता हो, उसे बहुत सालों का एक्सपीरियंस हो। तो नमस्कार मित्रजनों, मैं एक ध्यान साधक भी हूँ। पिछले 25 सालों से मैं ध्यान करते आ रहा हूँ और मैं आपको बेहद ही बारीकी से और बेहद ही सही विधि पूरी तरीके से बता सकता हूँ। मैंने स्वयं इस विधि के द्वारा सप्तचक्र को जागृत किए हैं और इस विधि के द्वारा ही आसानी से ध्यान किया जा सकता है, ध्यान में प्रवेश किया जा सकता है। तो मित्रजनों, मैं आपको आज सप्तचक्र जागरण की पूरी ध्यान विधि बताऊंगा, साथ में करके भी दिखाऊंगा। तो वीडियो में प्लीज़ बने रहे। सबसे पहले तो मूलाधार चक्र पर ध्यान को ले जाइए। साथ में अपना पूरा ध्यान और पूरा फोकस मूलाधार चक्र पर ही आपकी एनर्जी की, आपकी ऊर्जा की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आप जहाँ पर भी अपनी चित्त को लगाते हैं, जहाँ पर भी अपने मन को कंसंट्रेट करते हैं, आपकी ऊर्जाएँ वहाँ पर चली आती हैं, वहाँ पर संग्रहित होने लगती हैं। ऊर्जा का वहाँ पर एक प्रकाश पुंज बन जाता है। तो मूलाधार चक्र पर कुछ क्षणों तक ध्यान लगाने से, वहाँ पर चित्त को ले जाने से, कंसंट्रेट हो जाने से आपकी मूलाधार चक्र पर ऊर्जा, एनर्जी इकट्ठी होने लगती है और आपकी मूलाधार चक्र जागृत होने लगती है, आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होने लगती है। आप इसे कुछ क्षणों के बाद महसूस कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो इसमें आपको समय लग सकता है, 10 मिनट भी लग सकता है और फिर आधा घंटा तक भी लग सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है मूलाधार चक्र पर ऊर्जा को महसूस करना, उसे पूरी तरह से अनुभव करना। अगर आप इसे कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप इस ध्यान को पूरी तरह से कर सकते हैं। आप अपनी सप्तचक्र को जागृत कर सकते हैं। वैसे तो हमारे शरीर में बहुत से चक्र होते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि आपके शरीर में 10 चक्र होते हैं, कुछ का मानना है 7 चक्र होते हैं और कुछ विद्वान तो कहते हैं 3 चक्र। तो मित्रजनों, मैं यहाँ पर ध्यान की सुविधा अनुसार और फिर समय अभाव के कारण 6 चक्र पर ही मैं ध्यान विधि को करूँगा। आप चाहें तो इसी विधि से सप्तचक्र को जागृत कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसी विधि से 10 चक्र को भी जागृत कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसी विधि से ही सीधे मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक भी छलांग लगा सकते हैं एक ही बार में। अगर आपको इस ध्यान को करते वक्त ऊर्जाएं महसूस हो, क्योंकि ऊर्जाएं महसूस होती है, आपकी कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जाएं भी महसूस होती है, शरीर में जो भी एनर्जी है वो सभी ऊर्जाओं की महसूस होती है। जैसे कि अगर मैं आपको टच करूं तो आप महसूस कर सकते हैं, अगर मेरी हाथ ठंडी है तो आप ठंडे को महसूस कर सकते हैं, अगर मेरी हाथ गर्म है तो आप मेरी गर्मी को महसूस कर सकते हैं। इसी तरह से एनर्जी की गर्मी को भी आप महसूस कर सकते हैं। और जब आप उस एनर्जी को महसूस करने लगे तब आप उस एनर्जी को एक प्रकाश की भांति देखें, उस एनर्जी को प्रकाश की भांति महसूस करें।
और इसी प्रकाश पर पूरे ध्यान को केंद्रित करना है और इस प्रकाश से उत्पन्न होने वाली जो भी संवेदनाएं हैं, जो भी उष्णताएं हैं, उसको महसूस करें, उसमें आनंदित हो जाएं। शुरुआत में ही आपको इसमें समय लगता है, बाद में उतना समय नहीं लगता। जब आपका मूलाधार चक्र प्रकाश और ऊर्जा से पूरी तरह भर जाए, तब आप अपनी ध्यान को नाभि चक्र पर ले जाएं और नाभि चक्र पर भी प्रकाश की उपस्थिति को महसूस करें। ऊर्जा को महसूस करें और आप पाएंगे कि मूलाधार चक्र की जो भी एनर्जी है, जो भी ऊर्जाएं हैं, वो अपने आप नाभि चक्र पर आ जाएगी और नाभि चक्र एक्टिव होने लगेगा। यहाँ पर भी आपको एनर्जी की महसूस होगी, ऊर्जाएं की महसूस होगी। तो यहाँ पर अपने एनर्जी को महसूस करें, जो भी संवेदनाएं हो उसको भी महसूस करें, साथ में प्रकाश को भी महसूस करें और आप पाएंगे कि धीरे धीरे नाभि चक्र एक्टिव हो रही है। और आप तो जानते ही हैं नाभि चक्र आपके नाभि के ठीक पीछे होती है। इस ध्यान में सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ऊर्जा को महसूस करना है, साथ में आपको प्रकाश को भी महसूस करना है और इस प्रकाश और ऊर्जा से जो भी उष्णताएं पैदा हो रही है और इस उष्णता के कारण आपके चक्र पर जो भी परिवर्तन आ रही है उसे महसूस करना है। जब आपका नाभि चक्र ऊर्जा और प्रकाश से भर जाए, तब आप अपने ध्यान को अनाहत चक्र पर ले जाएं और आप जानते ही हैं आपका अनाहत चक्र आपके छाती के बीच में ठीक पीछे की ओर होती है। जब आप यहाँ पर अपने ध्यान को ले जाएंगे, तब आप खुद महसूस करने लगेंगे आपका अनाहत चक्र जाग जाएगा। यहाँ पर भी अपने प्रकाश को महसूस करें, अपनी एनर्जी को महसूस करें और इससे उत्पन्न गर्मी को, तापमान को महसूस करें, साथ में परिवर्तन को भी महसूस करें और आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी ऊर्जाएं ऊपर की ओर जा रही हैं। जो भी ऊर्जाएं आपकी नाभि चक्र पर थी, वो ऊर्जाएं धीरे धीरे ऊपर की ओर हृदय चक्र की ओर आ रही हैं और हृदय चक्र में इकट्ठी हो रही है। ये सच में होता है। नीचे की समस्त ऊर्जाएं, साथ में आपकी कुंडलिनी शक्ति भी
अनाहत चक्र पर आ जाती है। तो इसमें बने रहें, ध्यान को करते रहें। साथ में महसूस भी करते रहें। तो मित्रजनों, ये कोई फेक मेडिटेशन नहीं है, ये मेडिटेशन देखकर नहीं बल्कि जब आप करेंगे तभी आप इसके रिजल्ट को पाएंगे। मेडिटेशन बताकर नहीं बल्कि करने से ही फलित होते हैं। इस ध्यान को तो करने से ही आपकी चक्र जागरण होती है। अगर आप करते हैं तो आप स्वयं अनुभव कर लेंगे। मेरे बताने से आप अनुभव कर ही नहीं पाएंगे। जब तक आप इस ध्यान को करेंगे नहीं तब तक आप इस ध्यान को अनुभव कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ध्यान की विधियाँ करने के लिए ही होती है। मेरे बताने से कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। आपके करने से ही आपके अंदर परिवर्तन होगी, आपकी चक्र की जागरण होगी और आप आसानी से ध्यान को कर पाएंगे। और जब आपको लगे आपकी अनाहत चक्र भी प्रकाश से भर गई है, ऊर्जा से भर गई है और आप पूरी तरह से उसे महसूस कर सकते हैं, तब आप अपनी ऊर्जा को, अपनी प्रकाश को विशुद्धि चक्र की ओर ले जाएं। और आपको पता ही होगा आपकी विशुद्धि चक्र आपकी कंठ के ठीक पीछे होती है। यहाँ पर भी आप अपने प्रकाश को महसूस करें, ऊर्जा को महसूस करें और इससे होने वाले गर्मी को भी महसूस करें और परिवर्तन को भी महसूस करें। और आप पाएंगे कि आपकी अनाहत में जो भी एनर्जी थी, जो भी ऊर्जाएं थी, जो भी प्रकाश थी, वो धीरे धीरे विशुद्धि चक्र की ओर बढ़ रही है, विशुद्धि चक्र में संग्रहित हो रही है और विशुद्धि चक्र एक प्रकाश पुंज बन गया है, एनर्जी का एक बड़ा स्रोत बन गया है। तो विशुद्धि चक्र पर भी इसी तरह से ध्यान करते रहें। अगर आप इस ध्यान को सही तरीके से कर रहे हैं तो आपको गहन अनुभूति होगी, गहन आनंद की अनुभूति होगी, शांति की अनुभूति होगी, साथ में आपको स्वयं की उपस्थिति की अनुभूति होगी। तो इस ध्यान को करते रहें। और अब आप अपने पूरे ध्यान को आज्ञा चक्र पर ले जाएं। और आप जानते ही हैं आपकी आज्ञा चक्र आपकी दोनों भौहों के मध्य में, बीच में होती है। यहाँ पर पूरी फोकस को ले जाएं, पूरी ध्यान को ले जाएं, अपनी प्रकाश को ले जाएं। वहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति अनुभव करें, साथ में ऊर्जा की उपस्थिति अनुभव करें और आप पाएंगे कि आपकी आज्ञा चक्र एक्टिव हो रही है, उसमें प्रकाश संग्रहित हो रही है।
एनर्जी इकट्ठा हो रही है और आप उसमें आसानी से ऊर्जा की उष्णता को महसूस कर सकते हैं, उसमें होने वाले परिवर्तन को आसानी से महसूस कर सकते हैं। तो उसे महसूस करते रहें और प्रकाश को भी महसूस करते रहें। अपने आज्ञा चक्र पर प्रकाश को इकट्ठा होने दें, ऊर्जा को इकट्ठा होने दें और साथ में ऊर्जा को भी महसूस करें, उसकी गर्मी को महसूस करें और उससे होने वाले परिवर्तन को भी महसूस करें। आपकी आज्ञा चक्र निश्चित रूप से एक्टिव होती है, आप इसे स्वयं महसूस कर सकते हैं। नीचे की ओर जो भी ऊर्जा व एनर्जी थी, आपकी जो भी कुंडलिनी शक्ति सोई हुई थी, वो भी ऊपर की ओर आ जाती है, आपकी आज्ञा चक्र पर आ जाती है। इसमें कोई भी शक ना करें, निश्चित रूप से आपकी कुंडलिनी शक्ति भी आज्ञा चक्र पर पहुंचती है। और आप ऊर्जा व एनर्जी से भर जाते हैं, आपकी आज्ञा चक्र ऊर्जा व एनर्जी से भर जाती है, प्रकाश से भर जाती है। तो ऐसे ही आज्ञा चक्र पर ध्यान को करते रहें। आज्ञा चक्र को बेहद ही महत्व दिया जाता है। आज्ञा चक्र के जागने से आपकी बहुत सारी शक्तियों का जागरण होता है और आपको बहुत सी सिद्धियां भी मिलती है और आप अपने पूरे ध्यान को सहस्त्रार चक्र पर ले जाएं। सहस्त्रार चक्र पर प्रकाश को महसूस करें, अनुभव करें, साथ में ऊर्जा को महसूस करें, ऊर्जा से होने वाले परिवर्तन को भी महसूस करें। और आप जानते ही हैं आपकी सहस्त्रार चक्र आपके सिर के ठीक ऊपर की ओर स्थित होती है। चक्र पर अपने ध्यान को स्थिर करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, परंतु अगर आप कुछ दिनों तक करते रहेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सहस्त्रार चक्र को पूरी तरह से महसूस करें, सहस्त्रार चक्र में ऊर्जा को महसूस करें, सहस्त्रार चक्र में प्रकाश को महसूस करें और इसी पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप सहस्त्रार चक्र पर पूर्ण रूप से ध्यान को लगाते हैं तो आपकी सहस्त्रार चक्र जागृत हो जाती है, पूर्ण रूप से वो प्रकाशमय हो जाता है। सहस्त्रार चक्र पर जितने भी पंखुड़ियां हैं वो सब खुलने लगते हैं और आपका सिर गर्म ऊर्जा से भर जाता है, एनर्जी से भर जाता है। इस गर्मी को आप स्वयं महसूस कर सकते हैं। तो सहस्त्रार चक्र में बने रहें। प्रकाश पुंज को बनाए रखें।
साथ में एनर्जी को भी महसूस करें और इससे होने वाले परिवर्तन को भी महसूस करें। और जब आपका सहस्त्र चक्र प्रकाश से भर जाए, वो एनर्जी से भर जाए, तब आपको महसूस करना है कि आपकी ऊर्जा वो प्रकाश ऊपर की ओर यानी आकाश की ओर जा रही है। ये महसूस करना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आप अपनी ऊर्जा को आकाश की ओर ले जाते हैं तो आपकी ऊर्जाएं कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर जाएगी, ऊर्ध्व गति को प्राप्त करेगी। तो आप महसूस करें कि आपकी ऊर्जा व एनर्जी आकाश की ओर जा रही है, आपकी प्रकाश आकाश की ओर जा रही है, आपकी एनर्जी भी आकाश की ओर जा रही है। ऐसा करने से आप आसानी से ऊर्ध्व रेता बन जाएंगे, आपकी सारी ऊर्जाएं एनर्जी ऊपर की ओर जाएगी, आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर जाएगी, साथ में आप आसानी से ध्यान लगा सकते हैं और आपकी सारी चक्र हमेशा जागरण की स्थिति में रहेगी। तो लास्ट में ये काम जरूर करें। जब आपकी ऊर्जा व एनर्जी और प्रकाश ऊपर की ओर जाएगी, पूर्ण रूप से ऊपर की ओर विलीन हो जाएगी, तब आप शांत हो सकते हैं। परंतु इससे पहले आप शांत नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी एनर्जी आपको शांत होने नहीं देगी। तो अपनी ऊर्जा को मुक्त करें। ऊर्जा को मुक्त करने का मतलब ये नहीं कि आप ऊर्जा से रिक्त हो जाएंगे, बल्कि ये तो ऊर्ध्व रेता बनने की विधि है, बल्कि ये तो आपको ऊर्ध्व रेता बनाएगा। आप ऊर्जा को सदैव ऊपर की ओर चलायमान रखेगा, आपके सारे चक्र को जागरण करता रहेगा। तो इस विधि को पूर्ण विधि के साथ ही करें, पूर्णता के साथ ही करें। जब आपके पास टाइम हो इस ध्यान विधि को करने के लिए, कम से कम आधा घंटे का टाइम हो, तभी इस ध्यान विधि को करें। अगर आपके पास टाइम नहीं तो इस विधि को बिल्कुल भी ना करें। और इस विधि को करते वक्त बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें। आप अगर इस ध्यान विधि को मूलाधार चक्र से शुरुआत करते हैं तो सहस्त्रार चक्र तक जरूर करें और उससे मुक्त करें। उसके बीच में इस ध्यान से बिल्कुल भी ना उठें, इस ध्यान को पूर्णता के साथ करें। यहाँ पर मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल वाले नोटिफिकेशन को भी दबा दें, क्योंकि मैं ध्यान की 100 वीडियो से भी अधिक वीडियो के बारे में जानता हूँ और उनको मैंने प्रैक्टिकल करके भी देखा है, और ये सभी विधियाँ मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या पता इन विधियों में से कोई विधि एक ऐसा होगा जो आपको ध्यान में प्रवेश करा देगा। कुछ विधियाँ तो ऐसी होती है, अगर आप उसे कर लेते हैं तो 3 साल तो क्या, 3 महीने तो क्या, अगर ये विधि आपके लिए है तो आप 3 मिनट में ही ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसा मेरा नहीं कि बड़े बड़े ध्यान साधकों का, ध्यान गुरुओं का अनुभव है, और वो बताते हैं कि अगर ये ध्यान विधि आपके लिए है तो आप सिर्फ 3 मिनट में ही ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। तो मित्रजनों, हो सके तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। आपको मेरे वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।